भारत भर की आन बना, प्राण विजयी पहचान बना। ये धरती है तलवारों की, बरछी तीर कटारों की, धरती पद्मन रानी की, थारी मुंड निशानी की, पन्ना सुख से बलिदानी की। कुंभा सांगा और प्रताप यहाँ, राज सिंह सा शेर यहाँ, बप्पा हमीर की परिपाटी, धन्य हुई पावन माटी। जहां जली जौहर ज्वाला, कर में प्रण विजयी भाला, एक लिंग का जयकारा, महाकाल तक भी हारा। इसके हर पत्थर पत्थर में जाग रहा बलिदान है, ये मेवाड़ महान है, ये मेवाड़ महान है। प्रतिज्ञा को, कुंभा के वैभव को, सांगा के पुरुषार्थ को, और मैंने देखा है मीरा की भक्ति, प्रताप की शक्ति को, पन्ना के त्याग, भामाशाह के दान को, चेतक की स्वामी भक्ति और हाड़ी के बलिदान को। किस किस का नाम गिनाओ, इस माला में अनेक अनुपम मोती है जिन्होंने माता के मस्तक को ऊंचा किया। आओ, इन प्रेरणादायी पृष्ठों को अपने मानस पटल पर जीवंत करें। ये देखो, ये बप्पा है, मेरा परम भक्त। मैंने हारिथ ऋषि को भेजा इसे सजाने सवार में, उसने इसे ग्वाले से राजा बना दिया। 734 में ये बप्पा रावल चित्तौड़ के अधिपति बन गए। पराक्रम देखो, पश्चिम में काबुल कंधार तक जाकर शत्रुओं का मान मर्दन कर भगवा ध्वज फहरा कर आए। राज रास नहीं आया, पुत्र को गद्दी सौंप मेरे पास चला आया। हाँ यही देखो, यही वो साधना स्थली है जहां बप्पा ने मेरा ध्यान किया। इसे आज बप्पा रावल कहते हैं। और एक दिन यही वो मुझ में विलीन हो गया, यही समाधि बना दी उसकी। और देखो, एक बड़ी मजेदार घटना। सिसोदा के आर्य सिंह शिकार का पीछा करते करते उरवा गांव के एक खेत में घुसने लगे। एक युवती ने उन्हें रोका और स्वयं सूअर को मार कर ले आई। उनकी वीरता पर मुग्ध हो आर्य सिंह ने देवी से विवाह कर लिया। इन्हीं की कोख से वीर हम्मीर का जन्म हुआ था। बड़ा बहादुर बच्चा, 12 साल की आयु में मुंजा बालेजा नामक डकैत को मार उसका सर काट लाया। चित्तौड़ पर उस समय खिलजी के मातहत मानवदेव का शासन था। चित्तौड़ पुनः प्राप्त करने की योजना हम्मीर ने बनाई। बरबड़ी देवी के आशीर्वाद से कार्य प्रारंभ हुआ। उसने मालदेव की पुत्री से विवाह किया, दहेज में प्रधानमंत्री मौजीराम मेहता को मांग लिया। दोनों ने युक्ति पूर्वक चित्तौड़ प्राप्त कर शासन स्थापित किया। वे चित्तौड़ के पहले महाराणा बने, अपने पूर्वजों के गौरव को फिर से हासिल किया। आचान बाहु मेरा परम भक्त, मेरे विग्रह पर बैठे बैठे ही
पुष्प अर्पण करता था, शस्त्र व शास्त्र का ज्ञाता, शिल्पकार, संगीतकार, साहित्यकार, नानाविध गुणों से अलंकृत जीवन। मेवाड़ में 32 किलो का निर्माण, चित्तौड़ के पश्चिम की सात पोली, कुंभा महल, कुंभ श्याम मंदिर, और ये देख रहे हैं आप मेवाड़ के गौरव की कथा सुनाता विजय स्तंभ। महमूद खिलजी प्रथम को हराकर 6 मास कैद में रखा, इसी विजय की याद को बनाए रखने के लिए इनका निर्माण करवाया। उन्होंने राज्य विस्तार किया, कलम कटार करनी तीनों चलती रहे। चित्तौड़ भारत वर्ष की राजधानी बन गया और कुंभा का नाम इतिहास में अमर हो गया। जब परंपरा ने पराक्रम की, रक्त से पूजा की, जब शक्ति ने स्वाभिमान की रक्षा के लिए लपटों का श्रृंगार किया, जब भक्ति, करुणा, प्रेम, साधना और समर्पण का एक अमर स्वर सुनाई दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। स्थिति को भांप कर प्रताप का वही महादेव जी की बावड़ी पर राज तिलक कर दिया और महलों में जाकर जगमल को गद्दी से उतार प्रताप का राज्याभिषेक किया। ये कांटों भरा ताज था। धनधान में क्षेत्र भार सैन्य वाली सभी ने मेवाड़ छोटा हो गया था। परिस्थिति को समझ प्रजाजनों में प्रेरणा जगाने के लिए प्रताप ने अपना आदर्श उनके सामने रखा। उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक मैं मेवाड़ भूमि को पूर्ण स्वतंत्र नहीं करा लेता, तब तक न मैं महलों में रहूंगा, न ही सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करूंगा, तथा पलंग पर भी नहीं सोऊंगा। पत्तों की पत्तल ही मेरे भोजन पात्र एवं धरा ही मेरा बिछौना होगी। प्रताप के साथ आने लगा, पूजा भी
वह हकीम खान सूरी दलबल सहित प्रताप के साथ आ गए। अकबर के संधि प्रयासों को कूटनीति से परास्त किया प्रताप ने। अब अकबर का मान सिंह के नेतृत्व में आक्रमण हुआ। हल्दी घाटी में महासंग्राम हुआ। हल्दी घाटी के दर्रे से निकलकर प्रताप सेना का प्रथम आक्रमण मुगल सेना झेल नहीं पाया और 6 कोस तक भाग गया। प्रताप के वीरों ने कोहराम मचा दिया। हकीम खान सूरी, रामशाह तंवर, झालावान आदि बड़ी वीरता से लड़ रहे थे। बिहत्तर खान ने ढोल बजाकर मुगलों को रोका और अब आ गए खमनोर ग्राउंड में। भीषण युद्ध हुआ। चारों ओर लाशें ही लाशें, रक्त का तालाब बन गया। प्रताप का शौक देखते ही बनता था। बहलोल खां को तलवार के एक ही बार से जिन बहतर व घोड़े से चीर दिया और उनका 32 किलो का भाला, वो भाला नहीं लपलपाती ज्वाला, उसने मान सिंह के हौदे व महावत को निगल लिया। प्रताप के हमले को मान सिंह झेल न सका। उसका हाथी रण छोड़ भाग गया। चेतक की टांग कट गई। फिर भी वो युद्ध भूमि में विचरता रहा। अतिरिक्त तोपखाना आने से झालावान ने मोर्चा संभाला और प्रताप ने सेना के दोनों भाग एकत्र कर पहाड़ों में मोर्चा बांध दिया। झालावान का बलिदान हुआ। मुगल सेना डर कर अपने डेरे में लौट गई। वीरों के पावन रक्त से ये हल्दी घाटी अमर हो गई। जन रक्षा के लिए यही कणकण में रक्त बहाया था। इसी भूमि पर राणा ने अपना सर्वस्व लुटाया था। स्वतंत्रता के लिए मरो राणा ने पाठ पढ़ाया था। इसी वेदिका पर वीरों ने अपना शीश चढ़ाया था। तुम भी तो उनके वंशज हो। काम करो, कुछ नाम करो। स्वतंत्रता की इस बलिवेदी को झुक कर तुम प्रणाम करो। आक्रमणों की इस बार में अब तक प्रताप रक्षात्मक प्रणाली से छापामार युद्ध लड़ रहे थे, किंतु अब नीति में परिवर्तन किया और अकबर के चाचा सुल्तान खान जो दिवेल का थानाधिकारी था पर आक्रमण कर दिया। विजयदशमी 1582 ईस्वी दिवेल दर्रे पर हुए इस आक्रमण में प्रताप के साथ युवराज अमर सिंह, भामाशाह व ताराचंद आदि योद्धा शामिल थे। यकायक हुए आक्रमण को मुगल झेल नहीं पाए। अमर सिंह के भाले के वार से सुल्तान खान मारा गया। पानी पानी चिल्लाने पर प्रताप ने मानवीयता दिखाई और उसे जल पिलाया। दिवेल विजय प्रताप के लिए शुभ रही। उसने संपूर्ण मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया और नई राजधानी चावन की स्थापना कर पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। भामाशाह को प्रधानमंत्री बनाकर सैन्य पुनर्गठन, कृषि, स्थापत्य कला आदि बिंदुओं पर ध्यान दिया गया। यज्ञ अनल सा धड़क रहा था। वो स्वतंत्रता का अधिकारी रोम रोम से निकल रही थी चमक चमक चिंगारी। अपना सब कुछ लुटा दिया, जननी पद नेह लगाकर कलित कीर्ति फैला दी है निद्रित मेवाड़ जगाकर। जग वैभव उत्सर्ग किया भारत का वीर कहाकर। माता मुख लाली प्रताप ने रख ली लहू बहाकर। भीषण प्रण तक किया रक्त से समर सिंधु भर डाला। ले नंगी तलवार बढ़ा सब कुछ स्वाहा कर डाला। राष्ट्र यज्ञ में प्रताप ने अपने जीवन की आहुति देकर सब कुछ स्वाहा कर डाला और 57 बसंत पूर्ण कर अब अंतिम विदाई का समय आ गया। वो झुका नहीं, डटा रहा अनेक चट्टान की भांति। शहंशाह अकबर अपने 7 बड़े आक्रमणों के बाद थक हार कर बैठ गया और मन ही मन इस स्वतंत्रता के पुजारी के चरणों में अपना मस्तक नवा दिया। प्रताप
तेरी सदा जय हो। अंतिम समय में भी गौ रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। सामंतों ने स्वतंत्रता की इस ज्योति को जलाए रखने का संकल्प लिया। हम सभी इस स्वतंत्र ज्योति को जीवन पर्यंत जलाए रखेंगे। एक लिंगनाथ की जय। एक लिंगनाथ की जय। और 19 जनवरी 1597 में चावंड में प्रताप ने अपनी जीवन लीला पूरी कर ली। अमर सिंह ने विधि विधान से उनका दाह संस्कार किया। रक्षा की तलवार उठाकर समर किया लाखों से, पोंछ दिए आंसू प्रताप ने माता की आंखों से। निकल रही जिसकी समाधि से स्वतंत्रता की आगी, यही कहीं पर छिपा हुआ है वो स्वतंत्र वैरागी।